हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी चैनल पर ठीक है दोस्तों आज 22 तारीख है 22 फरवरी है तो देखिए आप आज की डेट जो है बड़ी आ, मतलब शानदार है इस प्रकार की डेट हो सकता है जीवन में आप दोबारा इस तरीके से ना देखने को मिले ठीक है देखिए टू ज़ीरो टू ज़ीरो टू टू मतलब आप इसमें देखिए दो की बारमवार कितनी बार हुई है पीछे से आगे से अगर आप पीछे की तरफ से भी देखेंगे तो भी वही डेट आती है आगे से भी देखेंगे फ्रेंड से भी तो भी वही डेट आती है ठीक है बहुत ही गजब की ये डेट है तो इसको देखिए डेट को कैसे आप इसको किस तरीके से देखते हैं ठीक है तो चलिए आज का जो डेली करेंट अफेयर्स का डोज है वो शुरू करते हैं ये तो जोक सपाट ऐसे ही एक दिमाग में आई एक बात तो बता दिया आपको देखिए लक्ष्य को निर्धारित रखिए आप जो भी आप अपना लक्ष्य मान कर चल रहे हैं मैं अपना लक्ष्य ये मान के चल रहा हूँ इसलिए मैं ये डेट हमेशा लिखता हूँ तो आप इससे ये मत सोचिए कि यही लक्ष्य क्यों बताते हैं तो ये लक्ष्य मेरा मैं अपना मान के चल रहा हूँ आप अपना कुछ भी लक्ष्य बना के चलिए एक लक्ष्य रखिए जो भी आप एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जो भी प्रतियोगिता आपको देनी है ठीक है जो भी परीक्षा आपको देनी है तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है वहाँ पर ये आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं तो शुरू करते हैं देखिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस बीस फरवरी को मनाया गया था तो इसकी थीम याद रखिए डेट तो याद ही रखिए बीस फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है ये अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इसकी थीम जरूर याद रखिएगा थीम कई बार पूछ ली जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आई यू सी की सत्र जो है उस दो हज़ार सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा भारत में तो पहली बार तो ये भारत में होगी ठीक है याद रखिएगा और मुंबई में होगी ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी उन्नीस के बाद ये पहली बार जो है आयोजित होगी ये इस सत्र की मेज़बानी करेगा मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ठीक है दो की तो याद रखिएगा इसको ये महत्वपूर्ण है पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन के तहत कितने जिलों से नल से जल पहुंचाया जा चुका है ठीक है अभी तक कितने जिलों में तो याद रखिएगा सौ सौ जिलों में अभी तक हो चुका है ये पूरा और ये सौवा जिला जो बना है वो महत्वपूर्ण है याद रखिएगा चंबा जो हिमाचल प्रदेश का ज़िला है ठीक है चंबा जिला इससे पहले आप ये भी एक डाटा फैक्ट याद रखिए कि ये टोटल छः राज्य और यूटीज मिला के छः हैं जहाँ पर ये जल से नल नल से जल जो योजना है जल जीवन मिशन के तहत वो इन सभी राज्यों में हंड्रेड मतलब ग्रामीणों में पहुँच चुकी है ये तो इसको ध्यान रखिएगा ये तीन राज्य गोवा हरियाणा तेलंगाना अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुदुचेरी दादर नगर हवेली तथा दीव ये तो तीन राज्य और तीन यूटीज़ ऐसे हैं जिनमें हंड्रेड परसेंट हो चुका है ये पूरा ठीक है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये रूसा ठीक है इसको 2026 तक 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है ठीक ये केंद्र प्रायोजित योजना है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम तो इसका उद्देश्य क्या है समानता पहुंच और उत्कृष्टता हासिल करना आ, शिक्षा में उच्चतर शिक्षा, शिक्षा के लिए है ये आप बताइए मुझे कमेंट करके ये कब प्रारंभ की गई थी ईयर बताइएगा इसका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा ये सेंट्रल जो ये सी एस एस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है आपको मैं बता देता हूँ सेंट्रल ये केंद्र प्रायोजित योजना वो वे योजनाएँ होती हैं जिनमें केंद्र का जो योगदान मतलब वो फुल्ली उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें वो हंड्रेड परसेंट होता है ठीक है और एक होती है सेंट्रल एक होती है केंद्र प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है केंद्र ठीक है तो एक स्पॉन्सर्ड होती है और एक सेंट्रल सेक्टर की होती है तो एक में तो क्या है वो हंड्रेड परसेंट ये जैसे ये है तो हंड्रेड परसेंट इसमें केंद्र का ही योगदान रहता है और एक में होता है कि कुछ प्रतिशत राज्यों का होता है कुछ प्रतिशत जो है वो केंद्र का होता है तो जैसे सिक्सटी फोर्टी का रेशियो होगा या सेवेंटी थर्टी का होगा इस तरीके से यूटीज़ में या स्पेशल राज्य जो हैं उनमें नाइनटी टेन का होता है ठीक है तो इस प्रकार से होता है इसमें चलिए भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा किस देश में तो याद रखिएगा ये यूएई में ठीक है बहुत महत्वपूर्ण है ये कि पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि भारत जो है वो आई की स्थापना किसी विदेश मतलब विदेश देश में कर रहा है तो ये वर्तमान में अभी कितने आई हैं एक तेईस आई टी आ, आई आई टी हैं भारत में यू के बारे में जान लीजिए इसकी जो राजधानी है वो धाबी है और ये मुद्रा जो है इसकी दिरहम है ठीक ध्यान रखिएगा इसको पहली बायोसेफ्टी लेवल थ्री कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी जो जिस प्रकार के अभी ये चलन देखा जा रहा है बीमारियों का वायरस से जो बीमारियां फैल रही हैं तो उसकी जांच वगैरह के लिए ये मोबाइल लेबोरेटरी है ये तो ये नासिक में आ, इसका उद्घाटन किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ठीक है तो ये अपनी तरह की पहली मोबाइल लेबोरेटरी है तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण हो जाती है ठीक है क्योंकि पहला जहाँ भी है वो महत्वपूर्ण हो जाता है तो इसको याद रखिएगा पहला जहाँ सब लगा है वो ध्यान रखिएगा ये पहली जो मोबाइल लेबोरेटरी है ये बायोसेफ्टी लेवल थ्री की ठीक तो ध्यान रखिएगा इसको एक प्रश्न बताइए आप कि आप इसमें Uh, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्रालय के जो हेड हैं कौन है मतलब किसके पास है ये मंत्रालय अभी ठीक है चलिए आई सी सी स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ये डेरिल uh, मिशल को दिया गया है ये न्यूजीलैंड के हैं ठीक है, है? धाबी में जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड ये हुआ था टी ट्वेंटी का सेमीफाइनल हुआ था वर्ल्ड कप उसमें इंग्लैंड के साथ जो मैच हुआ था उसमें इनको मतलब इनके जो uh, इनका अच्छा वो व्यवहार था तो उस वजह से इनको दिया गया ये चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिसिल क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है ठीक है क्रिसिल क्या है क्रिसिल और ये इकरा ठीक है तो आप इनका डेट बताइए आप इनकी स्थापना का ईयर बताइएगा ठीक है ये तीसरा प्रश्न है आज का ये क्रिसिल ने ये रेटिंग एजेंसी है ये फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड में भारत की जो अनुमानित जीडीपी है वो 7.8 परसेंट ग्रोथ बताया है इन्होंने ठीक है बहुत महत्वपूर्ण वैसे नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा आप ये ध्यान रखिएगा कि क्रिसिल और ये इकरा ये सब रेटिंग एजेंसीज है तो आप बताइए इनकी इनका स्थापना वर्ष बताइएगा आप ठीक है इससे आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है और जो भी कमेंट करता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनके आंसर सही होते हैं ठीक है एक जो भी कमेंट करता है और अच्छा लगता है वो कमेंट टू वे कन्वर्सेशन होता है जो संवाद है तो उसमें अच्छा लगता है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें सिर्फ सुनते ही नहीं हैं तो बढ़िया है आप लोग भी कमेंट करिए अपनी जानकारी बढ़ाइए आप उसको खोजने अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप उसको जानकारी उसके विषय में लेंगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी ही इससे आपका नुकसान नहीं होगा ठीक है नासा ने 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने का जो वो मन बना रहा है ठीक है योजना बना रहा है तो आई जो है उसको दो तक वो सेवानिवृत्त कर देगा ठीक है इसके कुछ और बनाया गया जो भी है एक रेगिस्तान महोत्सव हुआ था ये जैसलमेर में पोखरण में इसको मारू महोत्सव भी बोलते हैं तो इसका नाम याद रखिएगा मारू महोत्सव कहाँ पे तो ये जैसलमेर पोखरण में ठीक है राजस्थान में चलिए तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा जानकारी अच्छी लगी इसमें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है, है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए रहिए जय हिंद